बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला करते हुए कहा कि संघ अपनी आरक्षण विरोधी मानसिकता त्याग दे तो बेहतर है। सोमवार को बसपा नेता ने ट्वीट कर कहा, आरएसएस का एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के संबंध में यह कहना कि इस पर खुले दिल से बहस होनी चाहिए, यह संदेह की घातक स्थिति पैदा करता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। आरक्षण मानवतावादी संवैधानिक व्यवस्था है जिससे छेड़छाड़, अनुचित और अन्याय है। संघ अपनी आरक्षण विरोधी मानसिकता त्याग दे तो बेहतर है। मायावती का यह बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत के रविवार को दिल्ली में दिए गए एक बयान के बाद आया है। वही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा था कि जो आरक्षण के पक्ष में है और जो इसके खिलाफ है, उन लोगों के बीच इस पर सद्भावनापूर्ण माहौल में बातचीत होनी चाहिए। भागवत ने कहा था कि उन्होंने पहले भी आरक्षण पर बात की थी, लेकिन इससे बहुत हंगामा मचा और पूरी चर्चा वास्तविक मुद्दे से भटक गई। भागवत रविवार को ज्ञान उत्सव के समापन सत्र में बोल रहे थे। वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोहन भागवत के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी का दलित पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। गरीबों का आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र और संविधान बदलने की अगली नीति बेनकाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।